आज हम लोग बात करते हैं, ठीक है, लॉजिक गेट के बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉजिक गेट क्या होता है, लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। यह क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि कोई भी गेट के बारे में बोल देंगे कि एंड गेट क्या होता है, उसका परिपथ बनाइए यानी सर्किट डायग्राम बनाइए, ठीक है, उसका ट्रू टेबल बनाइए यानी कि सत्य सारणी बनाइए और उसका सिंबल बताइए। तो इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं कि लॉजिक गेट क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये क्वेश्चन है कि लॉजिक गेट आखिर होता क्या है, ये कौन सी चीज है ऐसी जो लॉजिक गेट कहते हैं। तो लॉजिक गेट वह गेट होता है जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है, जिसमें क्या होता है कि निवेशी व निर्गत सिग्नल पाए जाते हैं। अब ये निवेशी क्या होता है, यानी इनपुट, यानी कि जो हम देते हैं उसको बोलते हैं इनपुट यानी निवेशी, और जो हमें प्राप्त होता है उसको आउटपुट कहते हैं, उसको बोलते हैं निर्गत। तो ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें निवेशी व निर्गत सिग्नल पाए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं तार्किक गेट, यानी कि लॉजिक गेट। लॉजिक गेट का मतलब हो गया एज सच टाइप गेट, एज सच टाइप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन विच इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल ऑब्टेन, एज सच टाइप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज नोन एज लॉजिक गेट। लॉजिक गेट की बात करें तो लॉजिक गेट में जिसमें डिजिटल सर्किट होता है, ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, एंड गेट, ऐसे तो मिक्स करके कई बनेंगे लेकिन अभी हमें तीन मेजर देखना है, और गेट और फिर नॉट गेट, ऐसे एंड गेट और गेट नॉट गेट, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें से सबसे पहले हम लोग अगर डिस्कस करने जा रहे हैं तो एंड गेट के बारे में देखने जा रहे हैं कि एंड गेट क्या है। तो एंड गेट को अगर देखना है हमको, एंड गेट क्या होता है, ऐसा लॉजिक गेट जिसमें क्या होता है, जिसमें दो इनपुट होते हैं परंतु आउटपुट एक होता है। अब एक सर्किट ऐसा बनाया जाए जिसमें इनपुट कितने हैं, दो। अब मान लीजिए एक सर्किट बनाया हमने, ठीक है, जिसमें हमने कितने इनपुट रखे, दो, ये बल्ब हो गया। अब देखिए अगर हमने कितना बना दिया, इसमें ये हो गए हमारे दो इनपुट जिसको हम नाम दे दे ए बी। तो ये हो गए हमारे, कैसे हो गए, ये इनपुट हो गए यानी कि निवेशी, और ये हमारा आउटपुट हो गया यानी कि निर्गत। ठीक, अब आपने इसमें देखा कि इसमें इनपुट की बात है, इसमें आउटपुट की बात है, तो इसमें कितने इनपुट है, दो इनपुट। ऐसा गेट जिसमें दो इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, दो निवेशी और एक निर्गत, उसको हम लोग बोलते हैं एंड गेट। एंड गेट का आपने सर्किट डायग्राम देख लिया और डिफिनेशन भी देख लिया। अब इसका अगर बात करें, सिंबल की बात करें एंड गेट के, तो एंड गेट का सिंबल जो होता है तो ये हो गया सर्किट यानी कि परिपथ। अब दूसरा इसके सिंबल की बात करें यानी कि प्रतीक, तो इसका सिंबल कैसा होता है, में कितने इनपुट हैं, दो। ये इसके सिंबल की बात करें तो इसमें इस टाइप का है और इसमें इनपुट कितना है, दो इनपुट है और एक क्या है, आउटपुट। तो ये इनपुट हो गया ए बी और ये मान लो कितना हो गया, आउटपुट वाई हो गया। तो इसमें देखिए कि आपको दिख रहा होगा दो इनपुट एक आउटपुट, ये सिंबल बन गया एंड गेट का। अब अगर इसमें बूलियन फार्मूला लिखा जाए, बूलियन सूत्र, यानी तीसरा है, पहला तो सर्किट बन गया, दूसरा सिंबल हो गया और तीसरा बूलियन फार्मूला,
यानी कि बूलियन सूत्र। बूलियन सूत्र के बारे में अगर देखें तो इसमें होता क्या है, ए डॉट बी इजकल टू वाई, ये बन गया बूलियन फार्मूला। तो कहने का मतलब आपने देखा कि बूलियन फार्मूला क्या होता है, यानी बूलियन सूत्र क्या होता है, ए डॉट बी इजकल टू वाई। तो अगर इसको देखा जाए इसके बारे में, तो इसके लिए हम लोग यहां पे अगर लिख लें थोड़ा सा, बूलियन फार्मूला यानी कि बूलियन सूत्र, तो ए डॉट बी इजकल टू वाई, तो ये बन गया बूलियन फार्मूला। ठीक है, अब बात आती है ट्रू टेबल। नेक्स्ट ट्रू टेबल यानी कि सत्य सारणी, अब समझिए ध्यान से ट्रू टेबल कैसे बनाते हैं इसमें। तो सबसे पहले फिर से एक बार देख लेते हैं, लॉजिक गेट ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसमें इनपुट और आउटपुट सिग्नल पाए जाते हैं, एज सच टाइप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन विच इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल ऑब्टेन इज नोन एज लॉजिक गेट। और ये जो सर्किट होता है वो डिजिटल सर्किट होता है, यानी कि ऐसा परिपथ विद्युत परिपथ जिसमें निवेशी और निर्गत, ठीक है, सिग्नल पाए जाते हैं, उनको हम लोग लॉजिक गेट कहते हैं। और ये तीन प्रकार के मेनली बात कर रहे हैं, एंड और नॉट, ठीक है, ऐसे नॉर गेट भी होता है। ठीक है, इसमें हम लोग पहले एंड गेट की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अक्सर पेपर में पूछा जाता है, एंड गेट बताइए, उसका सर्किट बताइए, ठीक है, परिभाषा बताइए, उसका सिंबल दीजिए, उसका बूलियन फार्मूला बताइए और उसकी ट्रू टेबल बताइए, सत्य सारणी के बारे में बताइए। तो आपने देखा, अगर परिभाषा की बात करें तो सर्किट को देख के बताया जाएगा, ऐसा गेट जिसमें दो निवेशी और एक निर्गत सिग्नल पाया जाता है उसको एंड गेट कहते हैं। एज सच टाइप गेट इन विच टू इनपुट सिग्नल एंड वन आउटपुट सिग्नल प्रेजेंट इज कॉल्ड एंड गेट। द सिंबल इज ऑफ एंड गेट एस टाइप, दिस टाइप रहेगा, ऐसा सिंबल बना देते हैं हम लोग। बूलियन फार्मूला इसका क्या होता है, ए डॉट बी इजकल टू वाई, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ए डॉट बी इजकल टू वाई। ट्रू टेबल क्या होता है, सत्य सारणी कैसे बनाते हैं, अब ये ध्यान रखना है और इसी से आप लिख भी सकते हैं टेबल के बारे में। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं हम लोग टेबल को बनाना सीखते हैं, ट्रू टेबल। ए इनपुट बी इनपुट वाई। अब देखिए, अगर हमारा सर्किट क्या होगा, ऑफ होगा तो उसके लिए हम लोग सिंबल जीरो लेंगे, अगर ऑन होगा तो उसके लिए सिंबल वन लेंगे, अगर हमारा आउटपुट में काम बन रहा होगा तो उसके लिए हम लोग लेंगे वन, और अगर आउटपुट में कोई सिग्नल नहीं मिल रहा तो उसके लिए लिखेंगे जीरो। तो एक हिसाब से जीरो का मतलब ऑफ और वन का मतलब ऑन, ये समझना है हमको। तो चलिए अब देखिए, एक हिसाब से देख रहे, अगर हम इस इनपुट ए को मान लीजिए यहां पे क्या कर दे रहे हैं, कनेक्ट कर दे रहे हैं, अगर इनपुट ए को ऑन यानी सर्किट यहां जुड़ गया, देखिए यहां ब्रेक था सर्किट तो यह जुड़ गया, अगर ए को ऑन कर दिया तो बताइए, ए को ऑन कर दिया जब पहली कंडीशन तो वन कर दिया, और बी ऑफ है सर्किट नहीं जुड़ा है यहां पर, तो बताइए अगर ये जुड़ गया, ये स्विच ऑन कर दिया लेकिन ये स्विच ऑफ है तो यानी सर्किट यहां ब्रेक है, यानी परिपथ यहां पे क्या है, अधूरा है, तो बताइए क्या ये बल्ब प्रकाशित होगा, यानी ये बल्ब प्रकाशित नहीं होगा क्योंकि सर्किट अभी यहां पे क्या है, ब्रेक है। तो इस वजह से अब जो आउटपुट होगा, जब स्विच ए को ऑन रखा उसके बावजूद बी को ऑफ रखा तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, इसमें कोई भी धारा का प्रवाह होगा क्या, बल्ब प्रकाशित होगा, कतई नहीं होगा, तो इसका मतलब यहां पर क्या मिला आउटपुट, जीरो। पहला डायग्राम देखिए बन गया टेबल का डाटा। तो आपको अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, इसको लैंग्वेज में भी ट्रू टेबल के नीचे लिखना हो कि व्हेन स्विच ए इज ऑन बी इज ऑफ नो आउटपुट, यानी जब स्विच ए यानी निवेश ए को क्या रखा, ऑन रखा, बी उस दौरान ऑफ था, तो हमें निर्गत में कोई भी, तो हम लोगों ने देखा कि जब ए ऑन बी ऑफ तो नो आउटपुट, कोई भी धारा प्रवाह नहीं हुआ, नो एनी करंट फ्लो, ठीक है, डज नॉट करंट फ्लो,
और आउटपुट में बल्ब प्रकाशित नहीं हुआ, यानी बल्ब शाइन नहीं कर रहा। अब अगर ऐसा कैटेगरी देख लें कि ए को क्या कर दें, ऑफ, अब बी को ऑन कर दें। अब जब ए को ऑफ करा, यानी देखिए सर्किट यहां ब्रेक है, तो ए की जगह क्या कर दिया आपके जीरो, और बी की जगह ऑन है तो यहां क्या कर दिए वन। तो बताइए ऐसी कैटेगरी में, ऐसी कैटेगरी में क्या सर्किट से करंट फ्लो होगी, क्योंकि करंट कहां से आ रही है, आप सबको पता है करंट तो यहां से आ रही है सर्किट से। तो बताइए क्या ऐसी कैटेगरी में करंट आगे जा पाएगी जब सर्किट पहले ही ब्रेक हो गया है, बाद में भले ही जुड़ा हो, तो क्या करंट फ्लो होगा, क्या बल्ब प्रकाशित होगा, नहीं। तो इसमें कोई आउटपुट मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसी को देख के आप लिखना चाहें तो नीचे लिख भी सकते हैं। तीसरी कंडीशन में आपके हमने क्या कर दिया, आपके हमने दोनों को ऑफ रखा, क्या रखा, दोनों को ऑफ रखा। देखिए ये भी ब्रेक, ये भी ब्रेक, ऐसी कैटेगरी में ए को ऑफ, बी को भी ऑफ। तो बताइए क्या इसमें करंट का प्रवाह होगा, नहीं, क्योंकि सर्किट अभी जुड़ा नहीं है, तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब अगर इस कंडीशन में क्या कर दे, दोनों को ऑन कर दे, अब देखिए इनपुट ए ऑन, इनपुट बी ऑन, तो क्या बल्ब प्रकाशित होगा, यस, अब बल्ब प्रकाशित होगा, सॉरी अब बल्ब क्या होगा, प्रकाशित होगा। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि जब कभी भी दोनों इनपुट ऑन रखेंगे तभी बल्ब प्रकाशित होगा, आउटपुट मिलेगा। कल के एक नंबर का क्वेश्चन पूछ ले एंड गेट में, बताइए कौन सी कंडीशन में आउटपुट प्राप्त होता है, जब बोथ इनपुट वर्क टुगेदर, यानी जब दोनों निवेशी एक साथ संचालित हो, एक साथ कार्य कर रहे हो, वो दोनों ऑन की अवस्था में हो, तब ही क्या होगा, आउटपुट मिलेगा। तो अब आपने देखा एंड गेट क्या होती है, जिसमें दो इनपुट होते हैं एक आउटपुट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंड गेट। ठीक, एंड गेट का सर्किट देखिए साफ साफ दिख रहा है, ये सर्किट में क्या लगा हुआ है, ये सर्किट है जहां सप्लाई जाएगी, ये आपके पास ही बैटरी हो गया, ये आपके पास स्विच ए, स्विच बी, और ये आपका आउटपुट एक बल्ब हो गया जो बताएगा कि करंट का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिंबल पूछा जाता है तो आपके सामने सिंबल एंड गेट का है, एंड गेट। उसके बाद आपसे बूलियन फार्मूला पूछा जाए तो ए डॉट बी इज इक्वल टू वाई, जो कि आपके सामने डाटा दिया हुआ है, इस फार्मूले से भी ट्रू टेबल लिखते हैं, ट्रू टेबल इसे, लेकिन हमने सर्किट को देख के ट्रू टेबल लिखा हुआ है। ठीक, मैच करिए दोनों सेम रहेंगे, तो आपको पता है सर्किट को देख के ट्रू टेबल लिखना क्या है, काफी आसान है। तो आपने एंड गेट के बारे में जान लिया, आइए बात करते हैं अब इसके बाद दूसरा और गेट के बारे में। तो और गेट में भी ऐसे क्या आएगा, टेबल बनानी पड़ेगी, बुलियन फार्मूला लिखना पड़ेगा, सिंबल और सर्किट देना पड़ेगा। तो अब बारी है किसकी, और गेट की। तो और गेट में क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, एक अथवा एक से अधिक इनपुट होता है। अब इसमें क्या हो गया, आपके ये कि पहले आप भी बताए थे एक अथवा एक से अधिक, तो दो तो हो गया, लेकिन वहां पर ऐसा कॉम्बिनेशन था सीरीज में था, सीरीज का मतलब एक के पीछे एक लगे हुए थे। जब मैं बोलूंगा एक अथवा एक से अधिक, यानी वन और मोर देन वन, ओ आर और, तो ऐसी कैटेगरी में जो दोनों हमारे इनपुट होंगे वो कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, यानी वो समांतर क्रम में होंगे। तो अब याद रखिएगा एक या एक से अधिक, और वहां क्या था, दो, स्पेशली डिफाइन किया गया था कि दो, तो यानी कि टू इनपुट वहां स्पेशली मेंशन था, तो वहां सीरीज में थे, आगे पीछे करके थे। यहां पर वन आर मोर देन वन, यानी एक या एक से अधिक, ऐसी कैटेगरी में पैरेलल में स्विच लगेंगे हमारे इनपुट। तो आपने क्या कहा, एंड गेट तो हम लोग पढ़ चुके, बारी किसकी कर रहे हैं, और गेट की। और गेट को अगर देखा जाए तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, सर्किट। तो सर्किट जब बनाएंगे तो सबसे पहला पॉइंट आएगा इसमें कितना रखना है, और के कैटेगरी में रखना है। तो इसका मतलब आपको दिख रहा है कि ऐसे पैरेलल में स्विच लगेंगे, आपके समांतर क्रम में स्विच लगेंगे, और ये रहा सर्किट।
और ये रहा आउटपुट। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया वाई, ये हो गया सर्किट, और इसमें से निकलेगी करंट आई। ठीक, अब यहां करंट जाती है तो यहां जाके दो भागों में बट जाती आई वन और यहां पे हो जाएगी आई टू। ठीक, अब वो बदलेगी कि नहीं बदलेगी वो बात की बात है फिलहाल। ठीक, अब ये देखना है हमको कि अब आपने तो डिफिनेशन तो याद हो गई होगी और आपके बात क्लियर हो गया होगा कि एक से अधिक बोलेंगे, एक या एक से अधिक, तो ये तो दूसरी की तरह हो गया, पहले की तरह दो, लेकिन वहां यहां में अंतर है। वहां दो स्पेशली मेंशन है, यहां पर कहा गया वन आर मोर देन वन, एक या एक से अधिक या लग गया, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्विच लगेंगे। तो डेफिनेशन क्लियर हो गया, ऐसा लॉजिक गेट जिसमें एक या एक से अधिक निवेशी हो और एक निर्गत हो, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, आर गेट कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, निवेशी यानी इनपुट, ये क्या है, आउटपुट यानी कि निर्गत। अब समझिए, अब मान लीजिए इसमें बात करें, सर्किट तो बन के तैयार हो गया। अब सर्किट की बात करें तो बूलियन फार्मूला, नंबर दो बूलियन फार्मूला, बूलियन फार्मूला, यानी कि बूलियन सूत्र। अब सर्किट तो बनाना आ गया और गेट के बारे में आ गया आपको अच्छे से। अब बूलियन फार्मूला इसमें क्या होता है और में, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू वाई, क्या बनेगा बूलियन फार्मूला, ए प्लस बी इज इक्वल टू वाई। अब बूलियन फार्मूला के बाद सिंबल इसका दिया जाए, तो इसका सिंबल अगर देते हैं हम लोग, तो सिंबल मान लीजिए यहां पर दे देते हैं, अब सिंबल में क्या होता है, इसका सिंबल बहुत ही, ये देखिए स्टाइलिश होता है, ट्रायंगल शेप, और इसमें दो इनपुट, इसको थोड़ा सा नीचे बना देते हैं, ये रहा और गेट का सिंबल। ठीक, अब बात आई चौथा कैटेगरी क्या था, ट्रू टेबल, यानी कि ट्रू टेबल इसका कैसे बने उसको देखते हैं। ट्रू टेबल यानी कि सत्य सारणी, जैसा कि पता है ऑन की कैटेगरी में वन, ऑफ की कैटेगरी में जीरो। ठीक है, चलिए अब बारी बारी से देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर मैं स्विच ए को ऑन कर दूं, सर्किट से हम लोग ट्री टेबल बना रहे हैं, अगर स्विच ए को ऑन कर दूं तो इसका मतलब वन, यहां पे मान लिख दे रहे हैं हम स्विच ए बी और वाई। अगर मैं स्विच ए को क्या कर देता हूं ऑन यानी वन, और बी को क्या रखता हूं ऑफ, ये देखिए, तो अब बताइए अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, आई आधा इधर आई आधा इधर, क्योंकि अब ये आई वन और आई टू बटेगी, लेकिन यहां जाएगी क्या करंट, यहां करंट नहीं जाती है, इस कैटेगरी में करंट नहीं जाएगी, यहां से करंट आगे बढ़ेगी, और देखिए करंट क्या है आई वन, और ये सर्किट से करंट जा रही है, और सर्किट में जब करंट गई तो यहां से बल्ब क्या हो गया, प्रकाशित हो गया, यानी ये रास्ता तो बंद था लेकिन करंट इस रास्ते से क्या हो गई, वहां पहुंच गई। तो हमें आउटपुट में क्या मिला, यानी निर्गत में क्या मिला, कि बल्ब प्रकाशित हो रहा है,
यानी कि धारा प्राप्त हो रही है, ऐसी कैटेगरी में आउटपुट क्या बन गया, वन। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, अब फिर मैंने ए को क्या रख दिया, ऑफ। ए को क्या रख दिया, ऑफ, और बी को क्या कर दिया, ऑन। ऐसी कैटेगरी में आपको पता इधर करंट नहीं जाएगी, अब फिर करंट इधर से जाएगी। अब करंट देखिए यहां से आगे बढ़ गई और करंट यहां चली गई, अब यहां की करंट हट गई यहां से, तो आपने क्या देखा कि अब करंट इस रास्ते से जा रही है स्विच बी की तरफ से। अब जब बी की तरफ से जा रही है तो फिर से बल्ब क्या होगा, प्रकाशित होगा, और इन इन दिस ड्यूरेशन में हमें क्या हो गया, यहां पर आउटपुट क्या दिखाना होगा, वन, क्योंकि करंट का फ्लो हो रहा है। तीसरा कंडीशन क्या करते हैं, दोनों को ऑफ कर देते हैं हम लोग, तो बताइए क्या इधर से करंट घूम के बैठेगी तो यहाँ आई वन होगा या आई टू हो जाएगा, तो क्या इधर से भी करंट जाएगी, नहीं। यानी अब सर्किट में ना ही इधर से करंट जाएगी और ना उधर से करंट, क्योंकि दोनों ही क्या है, ऑफ। ए भी ऑफ है, बी भी ऑफ है, तो जब दोनों ऑफ है तो सर्किट क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया, तो आउटपुट भी क्या मिलेगा, ऑफ। यानी कोई भी धारा का प्रवाह होगा, कतई नहीं होगा। अब एक स्टेज ही बचा है कि अब हम लोग क्या कर लें, दोनों को ऑन कर दें। अब जब दोनों ऑन हो गए तो इधर से भी करंट जाएगी, I1 इधर से करंट आएगी, I2 इधर निकलेगी, I2 इधर निकलेगी, I1, I1, I2 यहां मिल गया, I बराबर I1 प्लस, देखिए सर्किट में फिर से करंट आएगी। अब क्या हो गया, A भी ऑन है, B भी ऑन है, अब जब दोनों ऑन है तो परिपथ में से धारा आसानी से बहेगी, प्रवाह होगा, और पूर्ण सर्किट हो गया, यानी पूरा परिपथ पूर्ण हो गया है, यानी होल सर्किट इज कंप्लीटेड। इन दिस वे आउटपुट में हमें करंट का फ्लो होगा और बल्ब प्रकाशित होगा। तो आपने क्या देखा, और गेट में भी देखा कि सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें क्या हो रहा है, आउटपुट नहीं मिल रहा है, जब दोनों निवेशी क्या है, ऑफ कर दिए जा रहे हैं, तो ऐसी कैटेगरी में हमें कोई भी धारा का प्रवाह नहीं मिलता है, यानी कोई भी आउटपुट हमें प्राप्त नहीं होता है। तो आपने देखा और गेट के बारे में जान लिया, और गेट के बारे में आपने सीखा सर्किट डायग्राम क्या होता है, और गेट की परिभाषा बताएं तो क्या होता है, और गेट क्या होता है, ऐसा गेट जिसमें क्या होता है, वन आर मोर देन वन इनपुट एंड वन आउटपुट, यानी ऐसा परिपथ जिसमें एक या एक से अधिक क्या होते हैं, निवेशी होते हैं, और एक क्या होता है, निर्गत होता है। उसके बाद आपने कहा बूलियन सूत्र क्या होता है, तो a प्लस बी बराबर वाई, ठीक, इस फार्मूले से भी इसको लिखा जा सकता है, लेकिन हम लोग सर्किट से आसानी से लिख लेते हैं। उसके बाद सिंबल, सिंबल आप देख रहे होंगे आपके सामने बना हुआ है कि ट्रायंगल रखिए और दो पैर लगा दीजिए और एक आगे सा खोपड़ी पे उसकी चुरकी खड़ी कर दीजिए। तीसरा में चौथा आपका बात आया ट्रू टेबल, यानी कि सत्य सारणी। सत्य सारणी देखिए फार्मूले से बनाना भी आसान है, फार्मूले से अगर बनाना तो देखिए क्या होता है, ए ऑन बी ऑफ, तो वन प्लस जीरो बराबर क्या आएगा, वन ही तो आएगा अगर फार्मूले से बना रहे हैं तो, वन प्लस जीरो बराबर कितना होता है, वन, और जीरो प्लस वन बराबर कितना होता है, फिर भी वन, और जीरो प्लस जीरो बराबर कितना होगा, जीरो, ये कंप्यूटर की भाषा में होना चाहिए, ये नहीं कि मैथ चला रहे हैं यहाँ पे, ये कंप्यूटर की भाषा में होना चाहिए, ये मैथ वैथ नहीं चल रही है यहाँ पे कि वन प्लस वन, यहाँ पे वन प्लस वन टेन हो जाता है, और टेन नहीं पढ़ते हैं, वन जीरो पढ़ते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब ये जुड़ रहा है तो वन प्लस वन बराबर वन, ठीक है, तो आप इससे भी कर सकते हैं दिस ऑपरेशन थ्रू, बट यहाँ पर याद रखिए बाइनरी नंबर है, कैसे नंबर है, बाइनरी, क्योंकि ये कैसा सर्किट है, ये डिजिटल है, कैसा है, डिजिटल, और डिजिटल सर्किट वो सर्किट होता है जो एक फिक्स सर्किट पे चलता है, फिक्स वोल्टेज पे चलता है और फिक्स फ्रीक्वेंसी है। तो बाइनरी नंबर क्या होता है, जिसका बेस दो होता है, और बेस, और ऐसे नंबर को हम आप नहीं समझ पाते, ये कौन समझता है, कंप्यूटर समझता है, जीरो वन, जब भी हम कोई बात कहते हैं, कुछ भी लिखते हैं, किसी को कोई भी चीज लिख दिया तो कंप्यूटर कैसे समझेगा, जीरो वन करके समझना, तो मशीन लैंग्वेज भी इसको कहते हैं, मशीनी भाषा कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया,
हम तो कह रहे हैं फार्मूले के बजाय छोड़िए या सीधे किससे भाग जाइए, सर्किट पे, और सर्किट से अपनी चीजों को क्या करिए, अपनी टेबल को ट्रिम कर लीजिए। नाम ही है सारणी और करनी कैसी है सत्य, तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे।